गिरिडीह के डुमरी निमिया घाट धनंजय लाइन होटल से खड़ी ट्रकों से तेल चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इस दौरान ट्रक के ड्राइवर ने अपने ही ट्रक से डीजल चोरी करते रंगे हाथ एक चोर को पकड़ लिया और उसके चार साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पकड़े गए चोर के पास से चार बड़े बड़े जार में चोरी किया गया डीजल, एक सेंट्रो कार, पाइप और मोटर बरामद की गई है। यह घटना निमिया घाट क्षेत्र में घटी है, जिसकी पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में खड़ी ट्रकों के डीजल टंकी से चोर पाइप लगाकर मोटर के सारे तेल की चोरी कर बेच देते थे, जिसको लेकर कई बार थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन चोरों के इस गिरोह को पकड़ने में पुलिस असफल रही। वहीं पुलिस पकड़े गए चोर से पूछताछ कर रही है। कहां से जा रहे थे आप? पटना से आ रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे। चलपुर उठे 11 बजे, रात के खाना खाए, सोता तो बाहर हुआ था, उठे खुला था। अच्छा, कितने लोग लगभग? 4 लोग। कितना लीटर चोरी लगभग हुआ है तेल आपका? 25 लीटर का। आज रात में करीब 1:30 में चिंटू सिंह फोन किए कि हमारा होटल में कुछ चोर लोग आए हैं गाड़ी से, फोर व्हीलर से, सो आप जल्दी से आइए। फोन के द्वारा सूचना मिला। विगत हम लोग कई एक महीना से हम लोग होटल वाले को जीना दुर्लभ कर लेता। आए दिन किसी न किसी होटल से लोग को टैंक को तोड़ करके डीजल कर निकालने के लोग का आए दिन का दिनचर्या था। आज बदकिस्मत था कि चारों को हम लोग गाड़ी से रगड़ते हुए खदेड़ के पकड़े। किसमें कै को गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तारी तो एक है, जिसको पैर में चोट लगा था वो भागने में असफल रहा, जिसको हम लोग निमिया घाट पकड़ के सुपुर्द करेंगे। निमिया घाट था। कितने लीटर चोरी हुआ था? लगभग एक गैन, एक कैन था जिसमें 25 से 30 लीटर हो सकता है। तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग कोई नहीं, हम लोग तो सब प्रशासनिक अधिकारी को हम लोग समर्पण कर दिए हैं कि इस पर आगे की कार्रवाई उचित कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में डीजल चोरी जो लाइन होटलों से होती है इस पर अंकुश लगे। वहीं होटल के संचालक ने बताया कि इस तरह की चोरी की घटना पहले भी इलाके में कई बार घट चुकी है, जिसकी वजह से हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा लगवाना पड़ा। क्या हुआ था? वो तेल चोरी हो रहा है। कब से ये काम चल रहा था? मोटा मोटी 7-8 साल से। कैसे आप लोग जाने? चोरी हो जा रहा था, मैं साथ उसको बता के ना आता था। सीसीटीवी कैमरा लगा, सीसीटीवी कैमरा पर देख रहे थे एसीटी में, उसके बाद देखे कि लोग चार आदमी आया था तो वहाँ से निकाल रहे, उसके बाद वहाँ से जनता लेकर दौड़े, दौड़ के बोलते लगे मारने चले, तो लोग गाड़ी छोड़ सकते भाग गए वहाँ से। इसके पहले भी हुआ था? हाँ, पहले बार हुआ था, 5-6 बार हुआ। यानी पहले इस तरह का नई घटना मैंने आप लोग का नज़र में नहीं आया था? आया था, लेकिन ऊपर के चल जाता तब हम लोग देखते थे, जान नहीं पाते कब आया, कब चोरी किया, कब गया, ये चीज़ तो हम लोग देख नहीं पाते। लेकिन आज पूरा इसी के कारण हम लोग का सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ा। बता दें कि ट्रक पटना से मैदा लोड कर कलकत्ता जा रही थी। फिलहाल पकड़े गए चोर के पूछताछ से भागे गए चारों की पहचान कर ली गई है और चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। अब देखना होगा कि पुलिस के हत्थे खड़े वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह में शामिल कौन कौन चोर पकड़े जाते हैं। पंजाब के सीटीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।